हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल आईए में आपका स्वागत है। दोस्तों, एयरटेल ने अपने यूजर्स को दिया बड़ा झटका। तो दोस्तों, आप जो भी यूजर हैं एयरटेल, जियो, ओडा, आइडिया, BSNL, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, एयरटेल ने कौन सा प्लान बंद किया, उसमें क्या बेनिफिट था, कि यह प्लान फिर आएगा कि नहीं, तो इसके बारे में सारी बातें दोस्तों डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो मैंने यह पहले देखा दोस्तों ओनली टेक वेबसाइट पर देखा, जो था 2398 रुपये में दोस्तों, 1.5 GB डेटा, 100 SMS, 365 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग था। तो ओनली टेक पर या वेबसाइट पर दोस्तों यह ऑफर देखा मैंने हट गया है। तो मैंने जब एयरटेल वेबसाइट पे गया, वहाँ पर देखा 2398 वाला प्लान, 1.5 GB डेटा जो मिलता है, 100 SMS, 365 दिन के और अनलिमिटेड कॉलिंग, तो एयरटेल वेबसाइट से भी हट गया। तो दोस्तों, तो इस पर दोस्तों एयरटेल ने अभी कुछ जानकारी नहीं दिया है कि क्यों हटाया, क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो दोस्तों, जब यह एयरटेल अपनी वेबसाइट से हटा दिया है तो जाहिर सी बात है यह प्लान बंद हो गया है। तो दोस्तों, हम बात करें दोस्तों, इससे पहले एयरटेल ने अपने कुछ प्लान के साथ G5 सब्सक्रिप्शन नहीं देने की घोषणा की थी। कंपनी ने अपने दोस्तों 289 रुपये के साथ मिलने वाले G5 सब्सक्रिप्शन को लिस्ट से हटा दिया है। यानी अब दोस्तों इस प्लान के साथ आपको G5 सब्सक्रिप्शन का लाभ नहीं पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लान में यूजर को दोस्तों 1.5 GB डेली डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही थी। साथ ही दोस्तों 100 SMS डेली ऑफर किया जा रहा था। तो बट दोस्तों यह बंद हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके तो जरूर बताइए। आप जो भी यूजर हैं दोस्तों, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में सब्सक्राइब, साथ में बेल का आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।